हेलो एवरीवन, मैं राजेश बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। हाउ टू क्रैक सीएसआईआर नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होता है, क्या सर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सीएसआईआर नेट को क्रैक किया जा सकता है? क्या आप एमएससी के दौरान सीएसआईआर नेट को निकाल सकते हो? तो इन बातों पर मैं कुछ आपके साथ 5-7 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जिन पर आपको फोकस करना चाहिए अगर आप क्या कर रहे हैं ड्यूरिंग एमएससी या आफ्टर एमएससी। अब मैं दोनों केस को डिस्कस करूंगा, ड्यूरिंग एमएससी आपको क्या करना चाहिए, आफ्टर एमएससी क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप सीएसआईआर नेट के लिए मन बना रहे हैं कि मैं एमएससी अभी स्टार्ट किया है सर मैंने, और आप प्रीवियस में है या फाइनल ईयर में है, ठीक है, आपके पास दोनों चॉइस के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ड्यूरिंग एमएससी की, तो ज़्यादातर एमएससी के दौरान मान लीजिए अभी तक क्या है कि बहुत से एरिया अपने देश के अंदर ऐसा भी है जहाँ लोग एमएससी तो कर लेते हैं, एमएससी करने के बाद उनको पता चलता है कि एक नेट टाइप का एग्ज़ाम होता है। आज से 2 साल पहले अगर आप देखो ना, तो अब तो चलो ऑनलाइन का मामला बहुत ज़्यादा हो गया, आपको भी पता है कि हर चीज़ आपको यूट्यूब पे जैसे अनअकैडमी सब कुछ लाइव फ्री मिल रहा है। तो ये चीज़ें जैसे अब सब चीज़ें क्या आजकल सोशल साइट पे यूट्यूब पे सारी नोटिफिकेशन आ जाता है कि अच्छा एमएससी के बाद नेट, ड्यूरिंग एमएससी, आईआईटी। पहले 2-3 साल पहले देखा जाए ना, तो इतना ट्रेंड नहीं हुआ करता था ऑनलाइन का। तो अब एक बात तो ये है कि सर जो पहले और अब में ये तो डिफरेंस है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक्टिव भी हो गया है और वो ड्यूरिंग एमएससी क्या करने लग गया है, एमएससी केमिस्ट्री अगर कर रहा है या फिजिक्स में कर रहा है तो वो ड्यूरिंग एमएससी नेट के बारे में सोचने लग जाता है। पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ करता था कि ज़्यादातर एरिया मतलब जो एडवांस एरिया है हाइयर मतलब बिग सिटीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ तो चलो ठीक है, एडवांस मामला है तो वहाँ तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता होता था। अगर हम थोड़ा सा लोकल एरिया में आ जाए, बहुत सा इंडिया कोई छोटा थोड़ा ना है, तो वहाँ पहले क्या था कि एमएससी के दौरान पता ही नहीं होता था स्टूडेंट्स को कि अच्छा नेट भी करना है एमएससी के बाद। तो सबसे पहले तो अभी एक तो ये बेनिफिट है कि सर स्टूडेंट एमएससी के दौरान नेट के बारे में सोचने लग गया है। तो पहली बात तो ये है कि आप सोच रहे हो, आपने मन बना लिया, तो पहली बात आप प्रीवियस ईयर में, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर के दौरान अगर आप सीएसआईआर नेट का फॉर्म फिलअप करते हैं, सीएसआईआर नेट का फॉर्म आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में फिलअप कर रहे हैं, तो एक बात तो ध्यान रखिए दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मुझे पता है क्या मान के चलते हैं, यार फॉर्म भर देता हूँ, तुक्के लग जाएंगे साहब, तुक्के लग गए तो हो जाएंगे, वो सिर्फ फॉर्म फिल करके छोड़ देते हैं कि यार फॉर्म साथ वाले ने भर दिया है। दो स्टूडेंट साथ साथ बैठे थे, बोला सर, एक को बोलता है यार तूने नेट का फॉर्म भर दिया, दूसरा कहता है हाँ मैंने तो भर दिया, तूने नहीं भरा, नहीं भरा, यार भर देना क्या है, तुक्के तो मार के आने हैं, अगर लग गया तो देख, क्लियर हो गया तो देख। तो देखो दोस्तों, तुक्के 1% नहीं लगेंगे। अगर कोई तुक्का सोच के अगर सी एस आई आर नेट के फॉर्म की फीस दे रहा है तो वो बिल्कुल ना भरे, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम देना चाह रहा है मन से, क्लियर करने के मन से भर रहा है तो ही फॉर्म भरे। ऐसा नहीं है कि मैं तुक्के मार के क्लियर कर लूँगा, 1% भी नहीं होगा साहब क्लियर तुक्के से। जहाँ जहाँ नेगेटिव मार्किंग आता है साहब, तुक्के का मामला 0% हो जाता है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स ने किया भी हुआ है, ठीक है। तो कभी भी तुक्के के साथ, इस पहला तो ये है कि आपको तुक्के के अकॉर्डिंग या आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझको तुक्का मारना है सर, तुक्के से मैं कर लूँगा। तो पहला देखिए, सबसे पहला पॉइंट, आप ड्यूरिंग एमएससी क्या कीजिए। आपने मान लीजिए ड्यूरिंग एमएससी क्या होता है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है स्टूडेंट्स के साथ कि सर मुझे तो पूरा सिलेबस भी नहीं पता नेट का कि क्या क्या आता है। तो मेरी बात सुन लो, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का पूरी चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि जो पहली बार एग्ज़ाम देता है उसको ये नहीं आइडिया होता कि सर एग्ज़ाम में आता क्या क्या है, उसको यहाँ तक कि इवन पार्ट्स का भी नहीं पता होता कि पार्ट ए पार्ट बी, ये मैं फर्स्ट टाइम वाले की बात कर रहा हूँ, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी कितना क्वेश्चन आता है, कितना नेगेटिव मार्किंग होता है, टाइप ए में क्या आता है, टाइप बी में कैसा क्वेश्चन आता है, ये पूरा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको बहुत सा वीडियोज, बहुत सा सब कुछ मिलता है आज के टाइम में, सब कुछ प्लानिंग आपको, मतलब आपको खुद से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ता आज के टाइम, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करो ना ढूंढने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि पार्ट वन पार्ट बी पार्ट सी आपको एग्जाम का पूरा आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कितना क्वेश्चन पार्ट ए में आता है, कितना बी में, कितना सी में, भाई किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके बारे में पहले जानकारी होना मस्ट है, ड्यूरिंग एमएससी या हो चाहे आप बाद में कर रहे हो, तो आपको पहले तो एग्जाम का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आप एग्जाम का जो सिलेबस है सीएसआईआर नेट की साइट से सिलेबस निकालिए। सिलेबस निकाल के आपको क्या करना है, आपका एमएससी के दौरान मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, तो आप देखिए कि मेरा इसमें से कौन कौन सा टॉपिक कवर हो चुका है या मेरे एमएससी के सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। मान लीजिए आप इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है सेकंड ईयर में, ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है, कई यूनिवर्सिटीज में स्पेशलाइजेशन होता है, कईयों में जर्नल होता है, तो आप पहले से उसी सिलेबस में से टिक कीजिए कि मेरा ये टॉपिक तो हो चुका है,
या ये मेरा अगले सेमेस्टर में आने वाला है या ये मेरे प्रीवियस सेमेस्टर में आ चुका है, ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। सिलेबस निकालिए दोस्तों, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का तो आपके पास होगा ही, आप सीएसआईआर नेट का सिलेबस निकालिए, उसको देखिए कि ये वाला टॉपिक तो मेरा आ चुका है साहब, तो यहां से मेरा क्वेश्चन कितना बनता है। अब क्या करना है आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको सारा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ आपने, तो आप प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन PYQ जितना भी है CSIR नेट का, चाहे आपने वो टॉपिक पढ़ा है चाहे वो आपको टॉपिक नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्यूशन आपको बुक की फॉर्म में भी मिल जाता है और आजकल वीडियो सॉल्यूशन हर जगह अवेलेबल है। इवन एकेडमी के अगर यूट्यूब चैनल पे देखो तो प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है, तो आजकल ये कोई मुश्किल नहीं है कि सर प्रीवियस ईयर कहाँ से करूँ, ये किसी का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर प्रीवियस ईयर कहाँ से करूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे देखो भाई, थोड़ा टाइम पहले अगर देखा जाए ना, तो इतना जितना मामला अब आपको मिल रहा है ना, उतना पहले नहीं मिला करता था। अब ये ऑनलाइन होने की वजह से आपको बिल्कुल बहुत सा फ्री मामला मिल रहा है, जैसे एनअकैडमी स्पेशल फ्री क्लासेस मिल रहा है और मिल रहा है, बाकी सब कुछ मतलब यूट्यूब पे तो बहुत कुछ मामला मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको पहली चीज तो ध्यान रखनी है एग्जाम का आइडिया, देन आपको बात करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे दोस्तों, आप मान लीजिए OMC पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपको 18 इलेक्ट्रॉन कुल के जितने क्वेश्चन आए आप उनको लगाइए, आपको मान लीजिए जितना आप पढ़ सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, MSc के दौरान बुक जितना आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास सफिशियंट टाइम होता है दोस्तों, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर आपको पूरा थ्योरेटिकल लिखना पड़ता है पेपर के लिए, तो उस टाइम पे आप जितना बुक पढ़ लोगे स्टैंडर्ड बुक, MSc के दौरान जितना तुम स्टैंडर्ड बुक पढ़ लोगे तुम्हारे लिए बेनिफिट होने वाला है, वो आने वाले टाइम में बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बाद में जैसे MSc करके निकलते हो ना, फिर तुम्हारे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज आ जाता है, एकदम से शॉर्टेज आ जाता है। तो मैं दोस्तों पहले एक बात और बता देता हूँ कि मान लीजिए तुमने MSc का सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ सारा, मतलब तुमको CSIR नेट का पूरा सिलेबस नहीं पता, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जिनका पार्ट ए बढ़िया है तो वो पार्ट ए पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि ये बहुत मामला तुम्हारा क्लियर करवा सकता है। क्योंकि देखिए, जिसने पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ रखा है उसको तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, अगर पार्ट ए भी नहीं करता है तो भी, अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं किया हुआ है, आपको आइडिया कम है और आपको ये है कि मुझे निकालना ही MSc के दौरान है, तो आप पार्ट ए को थोड़ा सा टच में रख के चलिए, क्योंकि ये करना मुश्किल नहीं है, इससे कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो आप इजीली लगा सकते हो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्ट्रेटेजी, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम में कौन से टॉपिक तुम्हारे यूनिवर्सिटी सिलेबस से और CSIR नेट से सिलेबस से मैच कर रहे हैं उनको तो बहुत बढ़िया कीजिए। आपका जो स्पेशलाइजेशन है जिसमें आपका बढ़िया है, मान लीजिए इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक, उस एक को बहुत बेहतर बनाइए ड्यूरिंग MSc, उसको बहुत बेहतर बनाइए, उसका जितना स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो उसको पढ़िए, कि ताकि आप मान लीजिए आप कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से आपका निकल जाता है तो बहुत बढ़िया है, आपके पास तीन चार मौके होते हैं MSc के दौरान, तो पहले अटेम्प्ट में ही आप कोशिश करने लगेंगे प्रीवियस ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो कोई ये बोलता है ना कि सर फर्स्ट ईयर में निकलता नहीं या कोचिंग के बिना नहीं निकलता, तो मैं बोलता हूँ कि आप अगर स्ट्रेटेजी आपकी एकदम बढ़िया है ना, आपको PYQs का सारा लेना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर या फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो PYQs और आपको एग्जाम का पैटर्न, कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है, सॉलिड स्टेट से कितना आ रहा है, थर्मो से कितना आ रहा है, ऑर्गेनोमेटालिक्स के कितना आ रहा है, आप अगर वो भी लगाएंगे ना, तो मैं कहता हूं कि आप CSIR नेट क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपका मोटिवेशन होना चाहिए, आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि यार फर्स्ट ईयर के अंदर अटेम्प्ट नहीं होता, फर्स्ट ईयर के अंदर किसी का क्लियर नहीं होता, फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का क्लियर नहीं होता, ये आपकी मंशा नहीं होनी चाहिए एकदम से। और इन पे फोकस करोगे दोस्तों, जितना ज्यादा बुक पढ़ सकते हो आप पढ़ोगे MSc के दौरान। उसके बाद आफ्टर MSc वाले क्या करेंगे, देखिए आफ्टर MSc वालों ने मोस्टली सिलेबस कवर कर रखा होता है। आफ्टर MSc मान लीजिए किसी ने MSc किया, नेट के बारे में कभी नहीं सोचा, MSc करने के बाद वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहा है और वो सोच रहा है कि मैं 6 महीने सर ड्रॉप करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, नेट के लिए तैयारी करता हूँ। तो वो सोनले मुन्ना लोग, उसको सिलेबस, उसको सारा आइडिया है कि कितना सिलेबस उसने MSc के अंदर पढ़ चुका है, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का है उसको तो पता नहीं होता ना सेकेंड ईयर, वो तो सिर्फ सिलेबस मतलब PDF फॉर्म में देख के पता लगाएगा कि ये चीज़ें आएगी। जो MSc कर चुका है उसको ओवरऑल सारे सिलेबस का पता होता है, BSc में भी पढ़ा, MSc में भी पढ़ा, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो अलग से हैं। तो उनको क्या करना है, उनको अब 6 महीने मान लीजिए पढ़ना है, तो अब मैं बोलता हूँ कि वो ये ना सोचे कि मैं सेल्फ स्टडी से नहीं निकाल सकता, ठीक है, या वो बुक पढ़ने के लिए जाए, पहले अटेम्प्ट में आप बुक की तरफ मत जाइए, पहले अटेम्प्ट में आप बुक की तरफ नहीं जाइए, क्योंकि देखिए आपके पास 6 महीने हैं, ठीक है, और 6 महीने में आप कितना बुक पढ़ लोगे, आप क्लेडन पढ़ लोगे, जूफिल पढ़ लोगे, हुई पढ़ लोगे, हाउसक्राफ्ट पढ़ लोगे, क्या क्या पढ़ लोगे तुम, क्रैबट्री पढ़ लोगे,
क्योंकि बुक पढ़ने में आपका टाइम ज्यादा वेस्टेज होगा, और टाइम आपके पास मान लीजिए किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको डायरेक्ट क्या करना चाहिए, उसका पूरा मटेरियल आपको मिल रहा है, जो मतलब जिसने बुक पढ़ रखी है वो आपको बता रहा है, उन चीजों को आप जल्दी से ग्रैब कीजिए और उसी को आप क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए क्वेश्चंस पे एकदम से। मतलब जो चीजें आपको बुक पढ़ने में टाइम लग रहा है आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करने में, कंसेप्ट को लीजिए और देन उसको डायरेक्ट क्या कीजिए, क्वेश्चन पे सोल्व कीजिए प्रैक्टिस। अब देखिए आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आपने सारा पहले तो एनालाइज तो करना ही पड़ेगा एग्जाम का पैटर्न वगैरह सब, उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बुक्स के साथ नहीं जाइए फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर एमएससी, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब चीजें पता है, आपके पास टाइम भी नहीं है। एमएससी के दौरान तो आपको पेपर देना होता था तो बुक पढ़ते थे तो डबल बेनिफिट था आपका। यहाँ आप 6 मंथ के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप पेपर के साथ अगर बुक लेके बैठे हैं पहले अटेम्प्ट में तो आपको दिक्कत होने वाली है दोस्तों, आप पजल हो जाओगे। तो सबसे पहले तो पजल नहीं होना एकदम से, और अपना क्लियर कट सब आइडिया होना चाहिए किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, पी वाई क्यू उसको साथ रखेंगे, जो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक करोगे उस टॉपिक्स के सारे पी वाई क्यू सी एस आई आर नेट एज वेल एज गेट, हाँ बिफोर एमएससी ड्यूरिंग एमएससी वाले भी सुन लो रे, उनको भी गेट का क्वेश्चन लगाना है प्लस नेट का क्वेश्चन लगाना है। पी वाई क्यूज के अंदर आपको गेट और नेट दोनों का लगाना है, पी वाई क्यूज नेट और गेट दोनों का लगाना है सी एस आई आर नेट क्रैक करने के लिए, ठीक है। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन लगता है ना कि ये गेट में कैलकुलेशन वाला, वो आप स्किप कर सकते हो बट उसका मेथड जरूर देखोगे क्योंकि उसी क्वेश्चन को इजी फॉर्मेट में आपको दिया जा सकता है फॉर्मेट में, ठीक है। तो आफ्टर एमएससी वाले क्या करेंगे, 6 महीने के लिए जितना टॉपिक है उनका एक बार थ्योरी रिवाइज करके फटाफट से, और क्या करेंगे भाई आजकल नोट्स तो बहुत अवेलेबल है, नोट्स है, स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस है, यूट्यूब वगैरह अनअकैडमी लर्नर सब कुछ यार हर कहीं जगह आपको फ्री मिल रहा है सब कुछ मामला। तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसी के साथ क्या कीजिए उन क्वेश्चंस की अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए कंसेप्ट के साथ, और अपना टॉपिक सिलेक्शन बहुत बढ़िया रखोगे कि मुझको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल तीनों में से दो का कॉम्बो कौन सा पैक लेके चलना है, एक जो आपका कमजोर है ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि आप कौन सा दो पोर्शन लेके चल रहे हो, एक को थोड़ा हल्का लेके चल रहे हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्ट्रेटजी और प्लानिंग नहीं बनाओगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर रहे हो, आपने बुक पढ़ लिया हो कुछ भी पढ़ लिया हो, मान लीजिए एनएमआर कर रहे हो तो एनएमआर के अंदर आप थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो, अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगा रहे तो आप फंस जाओगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको वैल्यू भी याद होगा पीक भी याद होगा बट आपको क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा, इतना लंबा इतना डाटा दिया होगा आपको ये नहीं पकड़ में आएगा कि क्वेश्चन को कहां से पकड़ा जाए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आपकी बहुत मदद करने वाला है दोस्तों, आफ्टर एमएससी वाले पहले अटेम्प्ट अगर दे रहे हैं तो वो एक बार बुक्स का सारा ना ले, क्योंकि देखिए आपने मान लीजिए पहला अटेम्प्ट दिया, मान लीजिए किसी वजह से आपका क्लियर नहीं हुआ, फिर आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि यार मेरी दिक्कत कहाँ आई है, मुझको कहाँ दिक्कत आई है। तो देखिए ऐसा होता नहीं है, अगर आप मन से तैयारी करेंगे आपकी प्लानिंग बहुत बढ़िया है तो नेट निकालना कोई मुश्किल नहीं है, नेट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। और जैसे आपका नेट निकल गया ना, मान लीजिए आपका JRF नहीं हुआ नेट निकल गया, आपका आधा बर्डन कम हो जाएगा, आधा बर्डन कम हो जाएगा। फिर आप रिलैक्स माइंड से आप क्या कीजिए, बुक्स का भी सारा लीजिए एकदम से लीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ क्या कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नया टॉपिक्स एडवांस लेवल का आपको पढ़ते ही रहना है साथ के साथ, क्योंकि हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ नया क्वेश्चंस ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करेंगे, और आप अगर एमएससी के दौरान ही पढ़ाई स्टार्ट कर दे रहे हैं तो मैं कहता हूँ इससे बेटर कुछ भी नहीं है, आपको भीड़ से हटकर चलना है, किसी को देखकर आपको फॉर्म नहीं फिलअप करना है,